देखिए, आप ये जनसभा देख रहे थे, पूरा मैदान भी भरा था, सड़कें भी भरी पड़ी थी, और ये आवाज मेरे पीछे आ रही होगी, नीचे महिलाएं गाना गा रही हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हिमाचल में चुनाव को लेकर कितना उत्सव की तरह मनाया जाता है। ये लोकतंत्र की खूबी, और महिलाओं की पार्टिसिपेशन हिमाचल में बहुत ज़्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से भी संकल्प पत्र लेकर आए हैं। गर्भवती महिला के लिए 25,000 रुपया हो, 6वीं से 12वीं कक्षा की बच्ची के लिए साइकिल, कॉलेज जाने के लिए स्कूटी हो, गरीब की बेटी की शादी पर 51,000 रुपये देने की हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 33% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी, तो होम स्टे चलाने पर ब्याज मुक्त आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा 3 रसोई गैस के सिलेंडर आपको मुफ्त में मिलेंगे साल भर। और ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मातृशक्ति ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया, और अब 8 लाख से ज़्यादा रोजगार सृजन हम करेंगे, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको भी हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे। ये कांग्रेस कह रही है कि हम 1500 रुपया देंगे और 300 यूनिट फ्री देंगे। कांग्रेस की कोई विश्वास करता नहीं है। कांग्रेस ने 2003 में कहा था हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। कांग्रेस ने 2012 में कहा था हर घर से एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कांग्रेस ने पंजाब में जाकर कहा, छत्तीसगढ़ में जाकर कहा, राजस्थान में कहा कि किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, नहीं किए। हमने तो जो नहीं भी कहा था, तो हमने पीएम किसान सम्मान निधि दी, और हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 60 साल की उम्र के लोगों को पेंशन लगाई, जो हमने नहीं कहा था। हमने जो कहा वो तो किया ही, जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया। कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो क्या लगता है आप? ये पुरानी बातें होंगी जी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में फिर भाजपा की सरकारें बनी, हिमाचल और गुजरात में भी फिर भाजपा सरकार बनी। हमने काम शानदार किया है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल जीत भी होगी, बड़ी जीत होगी। एक सर कर्नाटक का कांग्रेस का लीडर है, उसने हिंदुइज्म के ऊपर बहुत बोला। ये आदत पड़ गई है कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के नेताओं को, हिंदुओं को नीचा दिखाने की, अपशब्द बोलने की, देवी देवताओं का अपमान करने की। चुनाव के समय इनके जनऊ और भगवान याद आते हैं, लेकिन बाकी समय हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां निकालने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी जो है जब गुजरात में कह रही है कि हमारी आम आदमी गुजरात थोड़ा दूर है, उनको पता नहीं कि पंजाब में उनके 3 महीने में 70 लोगों की हत्याएं हो गई, उनके स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा, 3 दिन पहले एक हिंदू नेता की पुलिस के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जो बेहाल है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और हिमाचल में आम आदमी पार्टी की दुकान बहुत पहले बंद हो गई। चुनावों में जो उम्मीदवार खड़े उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में, आप रहते हैं दिल्ली में, बढ़ रहा है, और वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब में हमसे गलती होगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल 5 साल कैप्टन अमरिंदर को बार बार कोसते रहे पराली जलाने के लिए, जब पंजाब में इनकी सरकार बनी तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कुछ कहते हैं, क्यों चुप बैठे हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, क्या जिम्मेवारी लेने से कुछ होता है क्या? अरविंद केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है, अराजकता फैलाने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट पर केवल 1200 करोड़ रुपए 2 साल में खर्च करने वाले हैं। इनको अपनी फोटो छपाई की चिंता होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, फिर यूटर्न लेते हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में झूठ बोलने के नए रिकॉर्ड खड़े किए हैं, और माफ़ी मांगने के भी रिकॉर्ड खड़े किए। ये हर बार ऐसे करते हैं, जिम्मेदारी से टालते हैं, और कभी कोई फाइल साइन नहीं करते। 8 साल का मुख्यमंत्री, कोई विभाग ने कोई फाइल साइन नहीं की, इससे बड़ी अराजकता और क्या होगी? देखिए, लगातार अशांति फैलाने का प्रयास आम आदमी पार्टी की सरकार में किया जा रहा है, और बॉर्डर स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल स्वयं के समय जाकर आतंक चारधारा के लोगों के घरों रातें बिताते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनके नेटवर्क और कनेक्शन कहां कहां जुड़े हुए हैं।